उनको जीतना भी सिखाया है। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि राष्ट्र निर्माण में जहां पुरुषों का योगदान है और उनके साथ ही साथ मातृशक्ति ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिकाओं को पूरी तरह से महत्वपूर्ण रूप में रखा है। इन सबके बावजूद कुछ क्षेत्रों में भी आज भी हमारी मातृशक्ति की जो भूमिका है और जो भागीदारी है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान दे सके। और हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, यत्र नारिस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। बाहर क्या हुआ, चोट लग गई है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है, यत्र नारिस्तु पूजन्ते तत्र रमन्त तत्र देवता। परंतु कालांतर में बहुत सारे ऐसे इतिहास में क्रांताओं के द्वारा महिलाओं के जो उस समय में जो कार्य हुए, जो उस समय में इस प्रकार के कृत्य हुए, उसके कारण से दृष्टिकोण बदल गया और इसका परिणाम हुआ कि महिलाओं के साथ किए जाने वाले जो आज तमाम प्रकार के अपराध हैं वह भी सामने आए हैं। परंतु अब समय आ गया है महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के मन में भय पैदा हो और उनका जो आत्मविश्वास है, जो उनका रिएक्शन है, जो उनकी भावभंगिमा है, वो कहीं ना कहीं, जैसा रेखा जी ने भी कहा, वो बहुत बड़ी भूमिका आपको आत्मविश्वास में देखकर ऐसे जो अपराध करने वाले हैं, इस प्रकार के जो गलत काम करने वाले हैं, उनके असले हौसले वहीं समाप्त हो जाएंगे या हौसले कम हो जाएंगे। ऐसे लोगों को दंड मिले, ऐसा घृणित अपराध करने से पहले इसके बारे में सोच कर ही उनकी जो है रूह कांपने लगे और कभी भी वो अपराध करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी उनके लिए बड़ा कठिन हो। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र तथा राज्य की सरकारें मिलकर सभी प्रकार के जो प्रयत्न हैं, सभी प्रकार के जो प्रयास हैं मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार किए जा रहे हैं। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब होम मेकर के साथ साथ नेशन मेकर के रूप में भी आप सबको आगे बढ़ना होगा, तभी हम सही अर्थों में प्रदेश का और देश का विकास संभव हो पाएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम इस निरंतर प्रयास में लगे हैं कि महिला मातृशक्ति का जीवन स्तर हमारी जितना अधिक से अधिक ऊपर उठाया जा सकता हो उसको ऊपर उठाए जाने का प्रयास जारी है। और जहां आरक्षण हमने 30% क्या किया है, वहीं मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, बात्सल्य योजना, आंचल अमृत योजना, पोषण अभियान और अभी पिछले दिनों लखपति दीदी योजना और इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह और अनेकों प्रकार से आज जो है स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यमों से और बहुत सारे सरकार के द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, मुख्यमंत्री नैनो योजना हो, चाहे आज होम स्टे की योजना है। अभी मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले दिनों मैं दो जनपदों के भ्रमण पर गया, पौड़ी और टिहरी, दोनों ही जगह मैंने जो हमारी मातृशक्ति के द्वारा होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं उसको देखकर मैं अभिभूत हूं कि हमारी मातृशक्ति एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। और मैं सच बताऊं तो मैं तिवाड़ गांव में जब गया टिहरी के, और रात को जब वहां पहुंचा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको उनका भाई, उनका बेटा उनके कई बहुत सालों बाद कहीं घर आया होगा। और जब हम वापस जब आ रहे थे तो मैं वहां की माताओं बहनों को देखकर मुझे लगा कि मैं अगर उनको देखता रहूं तो थोड़ी देर में मेरे भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना वो हो रहा था उनको कि जैसे कोई अपने घर से जो है ब्योली विदा होती है उसे है? तो बेटी जब विदा होती है, जब कोई बहन की शादी होती है, तो उस प्रकार से हर घर से पूरा का पूरा गांव
वो होम स्टे से पूरा अच्छा देते हैं, सारे घर में होम स्टे है और सबने अरसे लाए थे, सबने कम से कम 100 लोग। इतने सारे मैंने कहा मैं इतने सारे कैसे ले जाऊंगा, तो मेरे साथ जितने लोग गए थे मेरे ख्याल से सबको एक एक जो है उन्होंने, मैंने कहा सबको दे दीजिए, सबको दिया उन्होंने और बहुत ही शानदार तरीके से वो उस काम में लगी हैं। हमारा प्रयास है चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या कोई सामाजिक न्याय का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए, जैसा अभी मैडम ने कहा कि सशक्तिकरण भी होनी चाहिए, सुरक्षा भी होना चाहिए, दोनों ही क्षेत्रों में। सशक्तिकरण तभी होगा जब हम सब कहीं ना कहीं उद्यम की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग काम करने की ओर बढ़ेंगे और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का हम लाभ उठाएंगे। और हमारी जो डबल इंजन की सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में चलने वाली, उसमें हमेशा से अगर किसी को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है तो मातृशक्ति को दी गई है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कष्ट अपनी आंखों से मातृशक्ति के देखे हैं वह निश्चित रूप से उन कामों को कर रहे हैं। क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आप सोचिए कि हमारी माताएं बहनें चूल्हा फूकते फूकते, कंडे लगाते लगाते, लकड़ी लाते लाते, उपले लगाते लगाते उनका पूरा जीवन बीत जाता है, कितनी बीमारियां लग जाती हैं, कितने प्रकार की परेशानियां होती थी, उन सबसे निजात दिलाने का काम उन्होंने उज्ज्वला योजना लाए और आज देश के अंदर 12 करोड़ लोगों को सीधे सीधे जो है इस योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी माताओं बहनों को उस धुएं से मुक्ति मिली है और हमने भी उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए कि माताओं बहनों के जीवन में अब प्रधानमंत्री जी ने उनको गैस तो दे दी, उज्ज्वला योजना तो दे दी, लेकिन आप सबको शायद पता नहीं होगा, बहुत लोगों को, हमने उज्ज्वला योजना में क्या ऐड कर दिया। यहां से प्रदेश की तरफ से जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं 1,76,000 पूरे प्रदेश के अंदर, उन सभी को एक साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर जो है मुफ्त में भरने की योजना हमने प्रारंभ कर दी और इस योजना के तहत जो है गैस के सिलेंडर भरे जाने का काम प्रारंभ हो गया है। आज शौचालय के हम निर्माण की बात करें, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन था और इस काम को भी किसी ने किया तो वह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम को किया। आप पहले भी सोचिए कि पहले के समय में किस प्रकार से होता था, शौच जाने के लिए तमाम जगह पर शाम होने का इंतजार हमारी बहनें करती थी, माताएं करती थी कि शाम होगा तब जाके वो शौच जाएंगी, प्रातःकाल होगी तब जाएंगे और दिन में अगर पेट भी खराब हो जाए तो शौचालय नहीं मिलता था। कितनी कठिन परिस्थितियां और स्थितियां रही हैं, थोड़ा अगर हम इस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में आजादी के बाद अगर किसी ने मातृशक्ति के बारे में सर्वाधिक विचार किया है तो और कोई नहीं, वो भारत मां के लाल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, यह हम सबका भी, ये जो हम सप्ताह मना रहे हैं इस सप्ताह के अवसर पर, यह भी हम सबका कहीं ना कहीं दायित्व होना चाहिए। हमारे खासकर से हमारी माताओं बहनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए भी, आसान करने के लिए हमने जल जीवन मिशन योजना पर भी तेजी से काम किया है, जिससे आज प्रदेश के लाखों घरों तक नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में उसको शामिल करना। उसके लिए हमें अपनी मातृशक्ति का आशीर्वाद भी चाहिए, आपका समर्थन भी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि महिला सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम हमारी सरकार के सशक्त मातृशक्ति राज्य के संकल्प को पूर्ण करने में अपना अभूतपूर्व योगदान सुनिश्चित करेगा। मैं यहां पर उपस्थित सभी अपनी माताओं बहनों से और पूरे प्रदेश की माताओं बहनों से आह्वान भी करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने समय समय पर अपनी क्षमताओं से लगातार प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसी प्रकार हमारी सरकार का जो ये सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प की पूर्ति में अपना योगदान अवश्य सुनिश्चित करेंगी, क्योंकि बिना मातृशक्ति के आशीर्वाद से, बिना मातृशक्ति के समर्थन से, बिना मातृशक्ति के सहयोग से
ये जो हमारा संकल्प है जिसको हमने कहा है विकल्प रहित संकल्प, ये विकल्प रहित संकल्प तभी पूरा होगा जब हमारे साथ साथ हमारे प्रदेश की मातृशक्ति माताएं बहनें भी इसको अपना संकल्प मानकर काम करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका निश्चित रूप से इसमें हमको सहयोग मिलेगा। मैं तो आप सबके बीच में बहुत सारी बातें मेरे मन में थी जो मैं आज करता, लेकिन आज थोड़ा समय ऐसा हो गया है कि चूंकि कल ये कार्यक्रम करना था और कल मैं देहरादून में नहीं था, इसलिए इस कार्यक्रम को एक दिन आगे बढ़ाया गया। कल पहले से एक कार्यक्रम और निर्धारित था, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि मैंने अपने कम शब्दों में कोशिश की है कि जो मेरा भाव है, जो मातृशक्ति के लिए हमारे मन में एक उत्तरदायित्व है जिसको हम करना चाहते हैं, वो आपके समक्ष कुछ भावों में मैंने रखने का प्रयास किया है। मैं आज इस अवसर पर दो विशेष घोषणाएं भी करना चाहता हूं कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली मानसिक और शारीरिक हिंसा की घटनाओं को सक्षम स्तर पर सूचित करते हुए रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को महिला सुरक्षा प्रहरी के रूप में जाना जाएगा तथा मेरे द्वारा ऐसे व्यक्ति या समूह को, जैसे हम विशेष अवसरों पर जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन सभी को सम्मानित करते हैं, उन सभी को विशेष अवसरों पर सम्मानित भी किया जाएगा। इसी प्रकार से बाल विवाह, अभी मैं देख रहा था कुछ बहनों को यहाँ पर सम्मानित करने का अवसर भी मिला था, तो ये एक कुरीति के रूप में है बाल विवाह। उसकी पूर्व सूचना पुलिस को देने वाले, रोकने का प्रयास करने वाले व्यक्ति या संस्था को 10,000 रूपये की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा तथा इन कार्यों में विशेष योगदान देने वाले जो भी समाज के कर्मचारी अधिकारी, उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। अंत में अपने राज्य की मातृशक्ति के लिए मैं ये दो पंक्तियां कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। खुशियों को रखती हैं सजोकर, खुशियों को रखती हैं सजोकर, जो मोती को सीप, नारी वंदन बार है, नारी संध्या दीप, नारी संध्या दीप। बहुत बहुत धन्यवाद।